गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन, आज हम क्लास फिफ्थ के सब्जेक्ट इंग्लिश में एक नए वीडियो के साथ एक नए चैप्टर को लेके जुड़े हैं। वीडियो के माध्यम से आपको बुक वर्क और होमवर्क दिया जा रहा है। तो आप लोगों ने चैप्टर 12 का जो क्वेश्चन आंसर कल आपको राइट कराया गया था, आई होप आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से लर्न कर लिया है। और जब भी हम लोग का विद्यालय 1 मार्च से खुलेगा, हम लोग एक दूसरे के सामने होंगे और आपसे जो भी वर्क कराया गया है ऑनलाइन के माध्यम से वो आपका चेक किया जाएगा। देखिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर को टच करेंगे जिसका चैप्टर है लेडी लेडी रिमेन। चैप्टर आपका 30 है और टॉपिक है लेडी का बदला। तो पहले देखिए बच्चों, गेट सेट में देखते हैं, गेट सेट में देखते हैं। कि डिड यू एवर नोटिस हाउ सेम वर्ड सम वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द साउंड सर्टेन थिंग्स मेक, फिल इन द ब्लैंक विद द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट मेक दिस साउंड, यू कैन चूज फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। कि डू यू एवर नोटिस, क्या आपने कभी नोटिस किया है, सम वर्ड्स आर यूज फॉर डिस्क्राइब द साउंड सर्टन थिंग्स में, कि कुछ शब्दों को ध्वनि का वर्णन करने के लिए कैसे उपयोग किया जाता है। कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो ध्वनि के माध्यम से जिसको हम लोग उसका उपयोग करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द नेम्स ऑफ द थिंग्स, कि यहाँ पे आपको नेम ऑफ द थिंग्स भी वस्तुओं के नाम दिए गए हैं जिसको आपको मेक दिस साउंड और साउंड बना के इसको आपको लिखना है। यू कैन चूज फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, और हेल्प बॉक्स से आपको उसमें चूज करना है। तो देखिए, और देखिए निकलती है, तो बीज हो गया, बीज हो गया। फिर देखिए सेकेंड में देखिए द क्लस्टर ऑफ लीव्स, कि पत्तियों की सरसराहट कौन करता है, कि सजराट की आवाज किससे निकलती है, पत्तियों से निकलती है। तो ये हो गया लीव। फिर देखिए थर्ड में देखिए द द पिल पिल्स आ बे, कि घंटियों का ढेर किसमें होता है, पिल्स मतलब ढेर होता है, घंटियों का ढेर हो गया। फिर देखिए फोर्थ में द द फिल्टर पीटर पैटर ऑफ रेन। पानी की जो गड़गड़ाहट किससे होती है, पानी की गड़गड़ाहट किससे होती है, वाटर से होती है। तो यहाँ
ट्रेन 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 इंजन। फिर देखिए सेवन में द food out फिर एट देखिए ए स्लैबिंग स्लैमिंग द स्लैमिंग स्लैमिंग ऑफ डोर्स। द बूज आप बीज की मक्खियों का भनभनाहट और दसवें राक्षस की पत्तियों की सरसराहट दस्तेज आप द लीफ की पत्तियों की सरसराहट पिल्स आप बेल्स की पत्तियों घंटियों का कि पिल्स मतलब खनखनाहट या फिर पीटर्स क्वार्टर्स ऑफ नाइन ड्रॉप मिस होता है कि बारिश की बूंदों का बूंदों की थपकी। फिर गार्गलिंग ऑफ द वाटर पानी का गड़गड़ाहट फिर चूस ऑफ ट्रेन का ट्रेन इंजन का चूस और रूट ऑफ द रूट लूओ का उल्लुओं का एक प्रकार का आवाज होता है उल्लुओं का आमंत्रित करना होता है जिसको उल्लू लोग एक साथ बुलाते हैं। फिर द स्लैपिंग ऑफ द डोर के दरवाजे का की लपट ये हुआ आपका गेट सेट एंजॉय दिस स्टोरी। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। देयर वॉज ए ग्रीडी यंग मैन नेम डिंगले की देयर वॉज ए ग्रीडी मैन नेम डिंगले किसका एक तब डिंगले नाम का एक लालची युवक था जिसका नाम था डिंगले। ही रेयरली शेयर्ड एनी थिंग्स विद एनी वन कि कोई भी चीज किसी के साथ वो शेयर नहीं करना चाहता था। ही He preferred to keep everything to himself. Keep with us it was meant कि वह सब कुछ अपने पास ही रखना चाहता था। फिर with us it was meant and animals he had killed or corn he grow in the small garden. कि with us चाहे इट वाज मी कि वह चाहे वो आप एनिमल्स की जानवर का मांस हो या तो जिसने जो उसने मारा है या ही कौन ही ग्रो इन द स्मॉल गार्डन या तो जिसने इस छोटे से बगीचे में उसने उसने उगाया है जो फसल उगाई है या मकई जो कौन मिस होता है मक्का वो जो उसने मक्का उगाया है वो भी अपने पास ही मतलब वो किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना चाहता था। उसमें सबसे बड़ी कमी यही थी कि वो जो भी चीज़ उसके पास आती थी तो वो सोचता था कि मैं किसी को न दूँ अपने पास ही रखूँ। वन डे हाई वाइल डिंगले वाज आउट हंटिंग एक दिन डिंगले है वो शिकार के लिए बाहर जाता है। ही हियर द शनी कॉल आप देखिए ही हियर द हनी कॉल्स आप देखिए कि उसने
नेकी के शहर की आवाज सुनी। ही माउथ बिगेन ऑफ वाटर्स एट थॉट एट गेटिंग हनी की हिज माउथ बिगेन ए वाटर, उसके मुंह में जैसे कि पानी आने लगा। एट द थॉट ऑफ द गैदरिंग हनी की हनी को इकट्ठा करने के विचार से ही उसके मन में पानी आने लगता है। ही स्टॉप एंड लिसन केयरफुली, वह रुकता है और ध्यान से सुनता है। सर्चिंग अंटिल ही फाउंड अ लिटिल बर्ड अमंग द ब्रांच एबव हिज हेड, फिर जब उसने खोज सर्च किया फिर ही फाउंड, उसने पाया कि एक जो छोटी सी चिड़िया है वह उसके ब्रांच एबव हिज हेड की जो कि जो एक छोटी सी चिड़िया उसकी एक शाखा उसके ऊपर उसके सर के ऊपर एक शाखा पे बैठी है। चिटिक चिटिक चिटिक, वो चिटिक चिटिक की आवाज कर रही है। द लिटिल बर्ड दैट लेट लाइक्स ऑफ ए साउंड मचिस बॉक्स सिक लेंथ वाइज, कि जैसे कि एक जैसे छोटी सी चिड़िया जैसे कि जो छोटी सी चिड़िया है चिटिक चिटिक की जो आवाज़ कर रही थी वो आवाज़ किस तरह से थी कि जिस तरह से एक माचिस की तीली को हम लोग आगे पीछे हिलाते हैं जिसमें जिस तरह की उसमें आवाज़ होती है, वो छोटी सी चिड़िया उसी तरह की आवाज़ कर रही थी। द हनी गाइड और नेगी बिगेन फ्लाइंग अहेड, कि हनी गाइड या नेगी बिगेन फ्लाइंग अहेड की आगे बढ़ने के लिए उड़ान भरते हैं। स्टॉप सेवरल टाइम टू श्योर दैट इंग्लिश फॉलोड, की स्टॉप सिवरल टाइम्स की स्टॉप सिवरल टाइम्स टू बी श्योर, तभी वो रुकते हैं जब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि जिंगले जो है उसका पीछा नहीं कर रहा है। आफ्टर ए वाइल दे रीच ए हब वाइड थिक एयर, की आफ्टर ए वाइल थोड़ी देर बाद ही बाद में एक विशाल जंगल में एक बड़े ह्यूज वाइड थिक ट्री की एक विशाल जंगल में अंजीर के पेड़ के पास पहुंचते हैं। फिर नेगी होप्ड वाइडली अमंग द ब्रांचेस, कि जो नेगी था होप्ड वाइडली अमंग द ब्रांचेस की वह जो नेगी था उन शाखाओं पे पागलों की तरह उछलने वाइडली जैसे होता है बच्चों, मतलब एक प्रकार से मैडली मतलब कि एक प्रकार से प्रतिक्रिया होती है उस तरह से वो उछलने कूदने लगता है। ही देन सेटल ऑन द ब्रांचेस एंड कॉक्ड हिज हेड, कि फिर देन ही सेटल ऑन द ब्रांचेस, तब वो जाके एक शाखा पे बैठ जाता है और अपने सर को उठाकर उसमें से देखता है। लुक एट द जिंगल्स As if to say, वह जिंगल को देखता है उसे कहता है Here is it, अच्छा यह यहाँ है, Come out, Where, Why are you talking so long? कि मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। जिंगल को Could not see anything from where he was standing the forest floor, की जिंगल जो था उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, वेयर जहाँ वो जमीन के फर्स्ट मतलब जंगल के फर्स्ट पे खड़ा था वहाँ से उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बट ही न्यू द हनी गाइड वाज वेल नोन फॉर द फीडिंग बिग राइट हैवी फॉलोइंग विद द स्वीट हनी, कि हनी गाइड इस चीज़ को जानते थे कि वह राइट्स बिहेव्स वह फॉलो मधुमक्खियों का पीछा करेगा मीठे हनी के लिए, वह उस चीज़ को पीछा करेगा इसलिए वो लोग इस चीज़ को जानते थे। ये हुआ हम लोग का तीसरा पैराग्राफ भी ख़त्म हो गया, फिर हम लोग कल एक नए पैराग्राफ के साथ जुड़ते हैं बच्चों। तो हम लोगों ने अभी इस चैप्टर में जाना कि जो नेकी और जिंजल जो है इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, जो जिंजल है वह बहुत ही लालची है, वो जो भी चीज़ उसके पास होती है वो उसको सेल्फ लेना चाहता है, किसी को शेयर नहीं करना चाहता है। किस तरह से फिर उसको क्या किस तरह से
जो नेकी है उसका वो बदला लेती है जंगल से, इसके बारे में कल हम लोग जानेंगे बच्चों। तो ये चैप्टर हम लोग का अभी लॉन्ग है, इसलिए हम लोग इसको अब कल उस पर इस चैप्टर के आगे के जो पार्ट्स हैं उस पर कल डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय।